ठेले में रखे ये आम भले ही काफ़ी मीठे और स्वादिष्ट हो, लेकिन इन्हें बेचने वालों की ज़िंदगी अब फीकी होती जा रही है। कोरोना काल में जो ये बुरे दिन देख रहे हैं, उसको ये शायद जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि कोरोना में जो लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, वो इन्हें अपने पेट भरने से भी मोहताज कर रही है। एक दिन खुलता है, फिर दो दिन लॉकडाउन होता है, ऐसे में इनके फल रह जाते हैं और दूसरे दिन सड़ जाते हैं और ये उन्हें बेच भी नहीं पाते हैं। अब क्या करें, ये क्या कहें, सुनिए इन्हीं की जुबानी। ये आप आम और केले बेच रहे हैं, आज लॉकडाउन खुला है और आने वाले दो दिन में लॉकडाउन है, तो अब ये आपके फल फ्रूट क्या ख़राब होंगे, तो क्या आपको नुकसान होगा इसमें? क्या नहीं, बिल्कुल नुकसान होगा साहब, दो दिन में नुकसान ही होगा। अच्छा, तो ये जो आप कमा रहे हैं, जो मुसीबत से आप लोगों बच्चों के लिए करते हैं, बाकी जब इस तरह का नुकसान होगा तो आप कैसे अपना घर चलाएंगे, क्या करेंगे? आप किससे मांगेंगे भी बताओ, कौन देगा देने वाला? हाँ, कच्चा धंधा है। तो हमारे माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अच्छा, इस लॉकडाउन दो दिन नहीं होना चाहिए, त्यौहार का टाइम है, आपके फल ये सब फेंकने में जाएंगे? ये आप जो छोटा मोटा ठेला लगाते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, ये आपने जो माल खरीदा है आज बिका नहीं है, और दो दिन का लॉकडाउन आ रहा है नीमच में आने वाले दो दिनों में, तो ये जो दो दिन का लॉकडाउन होगा उसमें आपका माल ख़राब हो जाएगा, नुकसान होगा आपको? ये बाकी जो बचेगा उसमें तो ख़राब हो जाता है, आधा माल भी नहीं बचता। अच्छा, आधा माल भी नहीं बचेगा, ये पूरा लगता है तो 50 किलो रह जाता है, तो ये फेंकने में जाएगा सब? हाँ, फेंकने। तो ये जो लॉकडाउन है एक तरह से गलत है आप लोगों के लिए, इसमें काफ़ी नुकसान होगा आपको? नुकसान तो हो रहा है सर, सबके हो रहा है। कितना खरीदा था आपने इसमें, कितने हज़ार का माल है? अभी दो दिन का लॉकडाउन लगा था, उसमें कम से कम 1000 रुपये का घाटा हुआ, 1000 रुपये का घाटा हुआ, और अभी दो दिन फिर आ रहा है लॉकडाउन, तो फिर घाटा होगा? हाँ, फिर होगा, इस बार कम माल लाए, माल भी कम, फिर भी क्या बच जाता वो तो खराब हो जाता। तो किस, तो ये आपका कोई जनप्रतिनिधि आया आपकी मदद के लिए, जो आपसे कोई पूछने आता है कि क्या समस्या है? हमारे पास कोई नहीं आता सर, खाली वोट के टाइम पे आते हैं, जो भी आते हैं, जो भी चुनाव होता है, कोई आपकी समस्या नहीं सुनता? हाँ, कोई नहीं सुनता। हिंदी दो दिन के लॉकडाउन की जो खबर थी, तो आज कितना देखा रहे यहाँ पर, सोशल डिस्टेंस की क्या धज्जियाँ उड़ी, क्या ऐसे कोरोना से जंग जीतेगा, प्रशासन के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस जो हो रहा है राम भरोसे ही हो रहा है। ये दृश्य आपको सब स्थिति को बयां कर रहे हैं, और लॉकडाउन कर तो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन से गरीबों को नुकसान हो रहा है, रोजी रोटी पर संकट आ रहा है, लेकिन यह हालत हमें कभी कतई नहीं कोरोना पे जीत दिला सकते हैं। इन हालातों को देख के हम नहीं कह सकते कि नीमच जीतेगा और कोरोना हारेगा। हाँ, ये जो अगर माल आपका नहीं बिका, अगर आज ही लॉकडाउन नहीं लगेगा, दो दिन अगर खुला रहता, तो आप कितना क्या इसमें कमा लेते आप? सर, दो दिन तक तो लॉकडाउन हो गया सर, दूसरे दिन माल बच गया सर, पर फिर दो दिन का आगे लॉकडाउन हो रहा है, इसमें 500 रुपये का घटा सर, और कमी 1 रुपये की नहीं सर। अच्छा, धंधा ही करना पड़ेगा, बिल्कुल लॉकडाउन के हिसाब से माल बिक नहीं रहा है सर। तो ये कहीं ना कहीं एक दिन खुलना, दो दिन लॉकडाउन होना है, कहीं ना कहीं एक दिन खुलता है दो दिन बंद होता है, अभी तो एक दिन खुलता है दो दिन बंद होता है, नुकसान है सर, नुकसान है। पब्लिक आती नहीं, कोई डर के मारे नहीं। तो आप कैसे अपने घर का कैसा पालन पोषण करेंगे? बहुत हालत खराब है सर। अच्छा, केंद्र सरकार से जो लॉकडाउन की पहल हुई थी, और फिर उसके बाद ये राज्य सरकारों पर छोड़ा, और राज्य सरकार ने कलेक्टरों पर, अब अधिकारी जो नीति अपना रहे हैं उससे तो इनका भला नहीं हो रहा है। ये आप तो यहाँ पर सब्जी कर रहे हैं, आज एक दिन खुला था, इससे पहले लॉकडाउन था, कल से फिर दो दिन का लॉकडाउन है, तो ऐसे में ये जो आपकी सब्जी आज बिकी नहीं है, अभी शाम हो गई है, कल दो दिन का लॉकडाउन है, तो ये सब खराब हो जाएगी, फेंकने में जाएगी, कितना नुकसान हो जाएगा आपको? सब इसमें नुकसान तो बहुत ही होगा इसमें, बाकी अब कर क्या सकते हैं, लॉकडाउन के आगे सब काम धंधा वैसे कुछ चल नहीं रहा है, वैसे काफ़ी परेशान है, और बड़ी महंगे भाव की सब्जी है। कितने का आपका दिन भर की बिक्री? आज करीब जितना रोज होता है उससे तो बहुत ही कम हुआ है साहब, वैसे उससे आधा ही सही हुआ है, आज करीब 100-150 रुपये करीब काम हुआ है, और उसमें भी आधे से ज़्यादा सब्जी बच गई है।
जो कि अभी अब दो दिन बाद इसको आप बेचने जाओगे कोई भी नहीं लेगा सर, इसको कोई लेगा ही नहीं है और इसको मेरे को सब फेंकनी पड़ेगी, इसको गायों को खिलानी पड़ेगी या फेंकनी पड़ेगी। तो ये इसमें जो नुकसान होगा आपने कमाया तो कुछ भी नहीं इसमें, आप दिन भर यहाँ खड़े रह रहे हैं और ये कहीं ना कहीं नीति गलत साबित हो रही है, एक दिन के लॉकडाउन खोलना दो दिन वापस बंद करना। हाँ सर, ये तो है तो यही है, बाकी अब क्या कर सकते हैं, मिला के गरीब इसमें कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हो रही है। परेशानी तो है ही है उसमें, अगर उसके अंदर मंडी के अंदर सब्जियाँ काफ़ी महंगी चल रही हैं और वहाँ से महंगी लेके आ रहे हैं और यहाँ पे सस्ती बेचनी पड़ रही है, हमारे से महंगी कोई लेने को तैयार नहीं है। आपके परिवार में कितने जने हैं? जी मेरे परिवार में 10 जने हैं पूरी फैमिली में। तो आप कैसे करोगे, कैसे आपका घर घर चलता होगा? सर क्या कर रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं, सब जैसा मिल रहा है वैसे चला रहे हैं। क्या कर सकते हैं सर? ये देखिए आप पूरी, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार ने तो अपने आय के सारे स्त्रोत चालू कर रखे हैं, राजस्व के सारे साधन चालू कर रखे हैं, पिस रहा है इस कोरोना काल में तो सिर्फ और सिर्फ गरीब, गरीब की भूखे मरने की नौबत आ रही है। पुलिस पंचायत के लिए संजय गोड़ की विशेष रिपोर्ट।